रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई छिड़ गई है। ऐसे में वहाँ रह रहे अन्य देशों के लोगों का जीवन भी संकट में है। यूक्रेन में अकेले भारत के 18,000 छात्रों समेत 20,000 लोग रह रहे हैं और बीते कई दिनों से उनके वापसी के लिए फ्लाइट संचालित हो रही है। आज वहाँ तनाव की स्थिति गंभीर होने पर उड़ानों का संचालन रोक दिया गया है। वहाँ के हालातों के बारे में भारतीय स्टूडेंट किसी न किसी तरह से यह बता रहे हैं। हरियाणा के 20 सैकड़ों लोग यूक्रेन में, एक अभियान में इंडियन एम्बेसी ने आज 150 छात्रों को रेस्क्यू किया। वहीं यूक्रेन में मौजूद अनिश्चितता और तनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की अगुवाई में एक हेल्पलाइन शुरू कर दी है। कंट्रोल रूम से व्हाट्सएप नंबर साझा किया है जिसके माध्यम से सहयोग किया जाएगा। इसके अलावा एक ईमेल आईडी बताई है। हरियाणा के एक छात्र ने बताया कि यूक्रेन के अलग अलग शहरों की यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे छात्र, हजारों भारतीय छात्र जगह जगह फंस गए हैं, ज्यादातर में डर का माहौल है। आज सुबह के समय छात्रों का कहना था कि इंडियन एम्बेसी में फोन रिसीव नहीं हो रहे जिससे उन्हें मदद नहीं मिल पा रही है। जो छात्र रेस्क्यू नहीं हो पाए वे अपने हॉस्टल और घरों में दुबके हुए हैं। यूक्रेन से रोहतक के ने वहाँ के हालात बताए, कहा कि अलग अलग फ्लैट में रह रहे छात्र एकजुट हो गए हैं। यूक्रेन में राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और हिमाचल के छात्र फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम रूसी बॉर्डर के पास सुमी शहर में सहपाठी के साथ फंसे हुए हैं, बाजार बंद हो गए हैं और एटीएम में कैश भी खत्म हो गया है। अब भारत सरकार से यह आस है।